चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की जो आपकी राजनीति विज्ञान है उसमें दो बुक्स हैं। पहली बुक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग कवर कर चुके हैं। दूसरी बुक्स थी आपकी भारत का संविधान, सिद्धांत और विवाद। इसके भी हम लोग दो चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका संविधान क्यों और कैसे, दूसरा चैप्टर था भारतीय संविधान में आपके जो अधिकार हैं उनके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की हुई थी। आज बात करेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में। इसमें देखेंगे चुनाव और आपके जो प्रतिनिधित्व होते हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब है कि आप उन्हें किस तरह से चुनते हैं, फिर चाहे आपका विधायक साहब हो, फिर चाहे लोकसभा सदस्य हो, सरपंच साहब हो, समझ रहे हैं? और एक बात के लिए मैं माफी मांगता हूं कि देखिए, मेरा कोई किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो आप लोगों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी भविष्य के बारे में सोचते हैं, मेरे लिए वही पार्टी अच्छी है। कई बार मैंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दे दिया तो कई लोगों का कहना है कि वो, मैं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता हूं। मैं किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता हूं। मेरा इतना मानना है कि आप समझिए, दिल्ली कभी जाकर आप लोग देख सकते हैं खुद, स्कूलों की हालत देख सकते हैं दिल्ली के, हॉस्पिटलों की हालत आप लोग देख सकते हैं दिल्ली के। हर जो गरीब को, एक हर व्यक्ति को जो जरूरत होती है उन जरूरत को पूरा कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों के रिजल्ट आए हुए हैं और प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट आए हुए हैं, तो सरकारी स्कूलों के बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से मतलब बेहतर स्कोर किया है। तो मैं उसका उसके बारे में क्यों ना बताऊं आप लोगों को। एक तरफ आप एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस जगह को देख लीजिए उठा के, एक तरफ उस जगह को देख लीजिए आप उठाकर, जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई देगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आप चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में जानिए और बड़े धैर्य के साथ आपको सुनना है और सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में ना आ सके। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की जो भी आपकी सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी जरूरी है उन्हें हम लोग कवर कर चुके हैं और आपकी पीडीएफ जो है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या आपकी यही थी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो इन सब का समाधान करके आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। हो सके तो इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और खरीदने की व्यवस्था हो तो खरीद भी सकते हैं आप लोग वहां से। ठीक है, कहीं से भी। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या हुआ? या फिर आपने देखा होगा क्रिकेट के खेल में यदि एम्पायर ना हो तो क्या होगा? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष एम्पायर होना चाहिए और जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें, और खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और एम्पायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी आप देखेंगे सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। कहाँ की बात की जा रही है? चुनाव आयोग की बात की जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग कि चुनाव निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आपके पास, आपके देश में चुनाव, एक भारतीय चुनाव आयोग है, एक आपका राज्य में भी होता है, आपके जो आपका चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर वो आप देखते हैं कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इन सभी के चुनाव की बात करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति साहब, समझ रहे हो? पंचायती जो व्यवस्था होती है उसके चुनाव की राज्य चुनाव आयोग होता है, वो करता है एक तरह से। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर भी प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय को हम पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा, यानी कि ये सब प्रक्रियाएं आपको जानने को मिलेंगी। चुनाव की विभिन्न विधियां, किस तरह से आपका राष्ट्रपति साहब चुने जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री किस तरह से चुने जाते हैं, आपके लोकसभा हो, फिर चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ये किस तरह से, किस विधि से चुने जाते हैं, इसके बारे में भी आप जानेंगे। अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं भी क्या है, इसकी विशेषताएं, इसके बारे में भी आपको मालूम चलेगा। फिर आप देखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों को महत्व क्या है, और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस भी हम लोग देखेंगे।
आप लोग अपने दिमाग में ये सोचिए कि चुनाव ना हो तो क्या होगा। आप समझिए कि अब किसी भी राज्य में चुनाव होता है और जो परिणाम आते हैं उसे सभी जनता भी मानती है और सभी पार्टियां भी मानती हैं। आप सोचिए अगर भरोसा चुनाव आयोग को ना हो तो चुनाव आयोग क्या करे कि किसी भी पार्टी को सत्ता में बैठा दे, किसी को हटा दे, किसी को जिता दे, तब क्या होगा? क्या तब लोकतंत्र रहेगा? आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी? तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं चुनाव और लोकतंत्र। आइए अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? याद रखिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आप सब यानी कि वोटरों का ख्याल रखा जाए, जनता का राज रहे। अब आप समझिए, डायरेक्ट आपका शासन नहीं रहता है, लेकिन 5 साल में आपके पास ऑप्शन तो रहता है कि आपके क्षेत्र का विधायक अगर काम नहीं कर रहा है, आपके क्षेत्र का अगर लोकसभा सदस्य काम नहीं कर रहा है, तो उसे हटाने का आपका एक अधिकार है आपके हाथ में। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक तरह से इसे ही मान लिया जाता है कि राष्ट्र प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजा का कोई तंत्र नहीं है, राजा का कोई शासन नहीं है कि जिसे आप हटा ही नहीं सकते हैं। उसने जो भी निर्णय किया आप बाध्यकारी होगा। यहाँ आपको लोकतंत्र में आपको देखने को मिलेगा कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। इस बात को तो आप भी जानते हैं। आप समझिए, हमारे देश में 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं जनसंख्या है। क्या आप समझिए कि कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी मुद्दा है उस पर फाइनल डिसीजन लेना है आप लोगों को, तो क्या सभी की भागीदारी हो सकती है उसमें? सभी की राय ली जा सकती है? ये मुमकिन भी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट सभी लोगों को शामिल कर पाना मुमकिन भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? और अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यही प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी मुद्दा रहता है उस पर अगर एक तरह से आप सोचिए कि उसमें निर्णय लेना है, तो यही समझ लिया जाता है कि ये सभी जनता का निर्णय है। क्योंकि आपने, समझिए आप लोग, आपने अपने विधायक को चुना है। किस लिए चुना है? कि आपकी जो भी समस्याएं हैं और आपके बारे में जो सही है उसका फैसला ले सके। ये अलग बात है कि आपका विधायक अगर आपके बारे में नहीं सोचता है तो वो किसी भी तरह से कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन हकीकत यही रहती है, माना यही भी जाता है कि आपने उसे चुना है तो आपका भरोसा रहा होगा। आप समझिए, 1947 की मैं बात कर पहुंचता हूं। 1947 में कोई चुनाव संविधान जब बनाया जा रहा था, कोई चुनाव नहीं हुआ था कि जनता ने डायरेक्ट जनता ने चुना हो और वो लोग आके संविधान बनाने लगे हों। भीमराव अंबेडकर साहब हों, जवाहरलाल नेहरू साहब हों, फिर चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हों, इन पर जनता का भरोसा था। समझ रहे हैं आप लोग? और जनता मानती थी इन्हें भगवान, और भगवान इस तरह से मानती थी कि ये लोग भी अपने भरोसे पर कायम थे, एक तरह से अपनी वफादारी के प्रति जागरूक थे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। इन्होंने अपने मतलब को केंद्र में नहीं रखा, जनता के जो भी काम रहे हैं, सभी के मतलब जो भी एक मतलब एक तरह से आप समझिए कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया। आज समझ लीजिए, आज अगर संविधान लिखा जा रहा होता तो आपका विधायक क्या करता? अपने परिवार के बारे में सोचता। समझ रहे? अपने बारे में सोचता। तो यहां दुविधा हो जाती है, यहां समस्याएं खड़ी हो जाती है। वरना आप समझ सकते हैं कि 1947 से शुरू होती है, 1900 आप जानते हैं कि 1950 में आपका संविधान पूरी तरह से लागू होता है, और आज भी उस संविधान को हम लोग मान रहे हैं। दक्षिण भारत में चले जाइए आप लोग, उत्तर भारत में चले जाइए, पूर्वी इधर कहीं भी चले जाइए, हो सकता है कि प्रधानमंत्री पर भरोसा ना हो किसी को, लेकिन संविधान पर भरोसा हमेशा रहता है। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कितने उस समय के विशेषज्ञ रहे होंगे लोग। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खासतौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। यह संभव भी है। आप समझिए, अगर आपके गांव में 1500 वोट हैं और सरपंच बनाया जाता है,
हो सकता है कि आप 1500 लोगों से पूछ सकते हैं कि स्नाइडर पर क्या फैसला करना है, लेकिन देश के मतलब आप सोचिए राष्ट्रीय लेवल पर यह मुमकिन नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जनता का शासन का सामान्यतः अर्थ निकाल लिया जाता है कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से। मैंने बताया ना कि आप लोगों को 5 साल में एक बार टाइम मिलता है, और यही मान के आप लोगों से एक तरह से समझ लिया जाता है कि आपने जिसे भी चुना है आपका भरोसा होगा उस पर, तभी आपने चुना है। ये अलग बात है कि आप किस तरह से चुनते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। अब देखेंगे ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विधायक साहब की बात कर रहा हूं मैं, एमपी साहब की बात कर रहा हूं, या सरपंच साहब, जो भी आपके। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या फिर निर्वाचन कहते हैं। चुनाव करने का मतलब चुनाव सीधा शब्द से ही निकलता है कि आपसे कह दिया जाता है चुनाव करिए इसमें से कौन आपको पसंद है, समझ रहे हैं, मतलब आपके पास विकल्प है कि आप इसे चुने इसे चुने, ठीक है। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब आप विधायक को चुन लेते हैं तो विधायक किस पार्टी में मिल रहा है, आपके जो भी आपने एक तरह से भरोसा किया है उसे निभा पा रहा है या आपके भरोसे को तोड़ के जा रहा है, ये आप पर निर्भर नहीं करता है। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि आपने जिसे चुना वो कल जाकर दूसरे से मिल गया, आप लोगों से कोई पूछा नहीं है, तो एक तरह से मान लिया जाता है सीमित भूमिका है आप लोगों की। आपके वोट देने के बाद वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। वे नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी कि जनता की ज्यादा कोई इसमें वैल्यू नहीं रह जाती है, सीधी सी बात, ठीक है। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं, और जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधी सी बात, आपने चुन लिया है, इसे आप अपनी जिंदगी में भी एक तरह से देख सकते हैं दैनिक जीवनचर्या में। मान लीजिए आपने किसी से मतलब आपका कोई रिलेशन है, संबंध है, आप समझिए आपने उस पर 100% भरोसा किया, वो आपके भरोसे पर खरा उतर रहा है, आपके भरोसे को बनाए रख रहा है, ये उस पर निर्भर रहता है। अब उसके मन में क्या है क्या नहीं है ये आप नहीं जान सकते, ठीक है। लेकिन कर्तव्य यही रहता है कि मैं कहता हूं कि देखिए आप पर अगर कोई 100% भरोसा कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य रहता है कि उसके भरोसे को बनाए रखें। वो कहा जाता है ना कि अगर कोई आंख बंद करके आप पर भरोसा कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसे अंधा साबित ना करें कि वो सही में अंधा है, समझ रहे हैं आप लोग। दूसरे प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, इसके लिए वे चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं और उसके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं, चाइना को देख लीजिए, समझ रहे हैं आप लोग। आपकी राय में कौन सी बातें एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती हैं? किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आपने देखा होगा इंडेक्स आता है लोकतंत्र के बारे में, इंडेक्स यानी कि सूचकांक निकलता है, उसमें हमारी स्थिति कोई अच्छी बात नहीं है, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। ऊपर से टॉप करते अच्छी बात है, लेकिन हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। स्वीडन देख लीजिए, नॉर्वे देख लीजिए आप लोग, स्विट्जरलैंड देख लीजिए, ये देश ऊपर से टॉप करते हैं, फिनलैंड देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपका खुशहाली सूचकांक हो, स्वतंत्रता सूचकांक हो, मीडिया की प्रेस की स्वतंत्रता का बात हो, या आप देखें कि लोकतंत्र की बात हो, जिस देश में ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में आप खुश रह सकते हैं? अगर खुश नहीं रह सकते हैं और आप अपने निर्णय नहीं ले सकते हैं, मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता ना हो, तो फिर लोकतंत्र का सूचकांक कैसे अच्छा हो सकता है, लोकतंत्र कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और पूछता है कि किन आधारों पर इन इंडेक्स को तैयार किया जाता है, तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखा करिएगा, उनके आधार को आप समझा करिएगा कि किसी देश में आप खुश कैसे रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आधारों की आपको जरूरत है। आप एक परिवार को ही उदाहरण में ले लिया करिएगा कि एक परिवार में आप किस तरह खुश रह सकते हैं, आपको बोलने की आजादी हो, आपके जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका महत्व होना चाहिए, उसका भी एक तरह से सम्मान होना चाहिए,
वहां आप लोग खुशहाली में अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को सम्मानित पा सकते हैं। इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ दिया जाता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है। एक बात और आपको बताऊं, आप समझते होंगे कि जब से हमें आजादी मिली तभी से लगभग आप समझेंगे, महिला हो, फिर चाहे गरीब हो, फिर चाहे कोई दबा पिछड़ा कोई भी हो, सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। आपके वोट की भी वही कीमत है जो एक अनपढ़ की है, या फिर आप समझिए पुरुष के वोट की वही कीमत है जो एक महिला की है। कई देशों में आपने देखा है आय के आधार पर वोट की बात की गई कि जो आयकर अदा करता हो उसे ही वोट देने का अधिकार हो, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। हमारे यहाँ सभी के ख्याल रखे गए, सभी के ख्याल एक तरह से हितों की बात की गई है। ठीक है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है ये भी आपको याद रखनी चाहिए। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कौन चुनाव की देखरेख करेगा, इसके लिए चुनाव होना चाहिए, चुनाव आयोग। अब आप समझे कि आपने लड़ लिया चुनाव, आपके सामने कोई बाहुबली है, वो चुनाव आयोग को ही खरीद ली, फिर क्या होगा। तो इसके लिए एक चुनाव निष्पक्ष चुनाव आयोग भी होता है। मतदाता अपनी प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है कि आप सरपंच साहब को किस कैसे चुने, या आप लोकसभा या विधानसभा सदस्य को किस तरह चुने। यहाँ राज्यसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हैं राज्यसभा सदस्य आपके जो विधायक होते हैं यही लोग चुनते हैं। मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले तीन प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। अंतिम दो प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है, और इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संविधानिक प्रावधानों के इन दो पहलुओं की चर्चा भी करेंगे। ठीक है, बात करते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था की। भारत में चुनाव व्यवस्था की, ऊपर आपने चुनाव की विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी होगा कि यह सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में भी पढ़ा होगा, और लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या है। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है और इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं जो बताते हैं क्या करें और क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है कि आपको आश्चर्य हो सकता है क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है। लोग जाते हैं और वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है, हमें इसके बारे में क्या क्यों सोचना चाहिए। आप, मुझे लगता है कि आप अगर आसपास अपनी व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं, एक तरह से फील करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर समझते होंगे इन व्यवस्थाओं को। आप अपने सरपंच साहब को ही देख लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि विधायक को देखिए, चलिए सरपंच साहब को देख लीजिए। कहते हैं कि सरपंच एक ऐसा प्राणी है कि अगर वो अपनी जनता का ख्याल रखने लगे तो 90% तक समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो उसका चुनाव किस तरह से होता है, कौन करवाता है, उसके प्रचार की क्या सीमाएं है, उसे वोट किस तरह से आप डालते हैं, मतगणना किस तरह से होती है, इन सब के बारे में आप, मुझे लगता है, जानते हैं। बस आपको उसे मतलब फील करने की जरूरत है। हमें इसलिए चुनाव सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न सरल, उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपने चुनाव व्यवस्था में भी इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और इस उसकी इच्छा ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके भी हो सकते हैं, उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों यानी कि दलों को मदद भी मिलती है, कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं जो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझें कि ऐसा कैसे होता है। एक तरह से आप कहें कि देखिए हमारे में सभी का ख्याल रखा गया है, फिर चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भी आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक छात्र एक वोट दे सकता है, जिन चार छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उन्हें चुना जाए। प्रत्येक छात्र के पास चार वोट हैं और जिसे वे चाहें तो एक प्रत्याशी को दे दें, उसे अन्य प्रत्याशियों में बांट दें। जिन चार छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले हैं उन्हें चुना जाए।
प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट दे, और गणना की विधि वह हो जो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में प्रयोग की जाती है। इस विधि का आगे वर्णन किया गया है। क्या इन सभी तरीकों से चुनाव कराने पर वही चार लोग चुनाव जीते? यदि नहीं तो क्या फर्क पड़ा है और क्यों पड़ा है? आप देखते होंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, राष्ट्रपति के चुनाव से आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप लोग उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। उसमें आपको मालूम चलेगा कि वरीयता क्रम में देते हैं आप लोग कि ए को पहले नंबर पर, बी को दूसरे नंबर पर, सी को तीसरे नंबर पर, आपको क्रम से देना पड़ता है। लेकिन आप लोकसभा या विधानसभा सीटों में नहीं देखते होंगे, आप एमएलए में जाते हैं तो आप ये नहीं लिखते हैं कि पहले नंबर पर हमें ए पसंद है, दूसरे नंबर पर हमें ए पसंद है। आप तो बटन दबाते हैं और जिसका नाम होता है उसे मतलब एक तरह से चुन लेते हैं आप लोग, ठीक है, जो सबसे आगे वही जीते। इस अखबार की कतरन को देखिए या भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? देखिए, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिले हैं। आप समझिए कि एक बात कि अभी 2019 में जो चुनाव हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को अच्छी जीत मिली हुई है, पहले से अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली, क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया है? वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखें और कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया है उनमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली हैं। अन्य दलों के प्रदर्शन को भी देखें तो भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली हैं। ऐसा कैसे हुआ? यहां देखिए आप लोग, 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोट और सीटें। कांग्रेस को 48% वोट मिले हैं, सीटें 415, भाजपा 7.4, दो जनता पार्टी आप देखें 6.7 और सीटें मिली 10। यहां आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जनता ने केवल 48% जनसंख्या ने वोट किसके पक्ष में किया है, किसके पक्ष में किया है, कांग्रेस की, और 415 सीटें मिली हुई हैं। और आप सोचिए कि 52% जनसंख्या इसके खिलाफ है, यही आपको अंदाजा लगा सकते हैं ना कि 48% कांग्रेस के हो गए तो बाकी 52% कहां गए? तो ये क्या हुआ कि बट गए एक तरह से, और यही बट गए, यही आप सोचिए कि दो पार्टी होती केवल हमारे देश में, भाजपा और कांग्रेस, तो कांग्रेस को इतनी सीटें कभी ना मिल पाती। समझ में आया आप लोगों को? अब आप समझिए कि आप कहीं भी चुनाव हो रहा है, मान लीजिए आप 5 लोग खड़े हुए हैं, एक को मिल जाते हैं 48% वोट और 5 में बट जा जो बाकी 5 है, इनमें 52%, किसी को 13%, इस तरह से पूरा 52% का बट जाते हैं। अगर आप सोचिए कि कांग्रेस को 48% मिले थे और दूसरे सामने में एक केवल एक व्यक्ति खड़ा होता, उसे आप समझिए कि 52% मिलती, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को 415 सीटें मिलती? कभी नहीं, ठीक है। इस व्यवस्था को आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में क्या है, पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिले हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यहां सीधा सा कहने का मतलब है आपका कि 50-100 वोट है मान लीजिए, तो जिसमें से आप समझिए कि जिससे सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगी वही एक तरह से निर्वाचित हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा आप समझिए व्यवस्था नहीं की गई है कि 50-51 वोट मिले तभी वो जीत सकता है, नहीं। अगर 5 खड़े हुए हैं और 5 में से सबसे ज्यादा जिसे वोट मिलते हैं वही निर्वाचित हो जाता है, ठीक है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित यानी कि जीत घोषित हो जाती है उसकी। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होगा। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इस विधि को स्वीकार भी करता है। लेकिन आप समझिए कि ये कोई आप समझिए यहाँ भी आपको कोई निष्पक्ष चुनाव देखने को नहीं मिलेगा। आप समझिए कि 10 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनमें से एक को अगर बहुमत मिल जाता है, सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, आप समझिए कि 100% है, 100 में से आप सोचिए उसे 25% भी लोग पसंद कर लेते हैं
और बाकी 75 उसके विरोध में है, लेकिन 75 ने क्या किया कि अलग अलग को चुना है, अलग अलग प्रत्याशियों को वोट डाला है। तो क्या आप इस कह सकते हैं कि उसे पूरा बहुमत मिला हुआ है या सभी जनता के लिए वही मान्य है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आइए अपने उदाहरण की ओर लौटे। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उनके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से भी कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाला वाले प्रत्याशी को पर्याप्त 50% से कम वोट मिलते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, अगर केवल दो प्रत्याशी होते तो कांग्रेस को कभी इतनी सीटें नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि आप समझिए 50% जो 52% लोग थे वो विपक्ष में जाते, विपक्ष में जाते तो किसकी जीत होती? विपक्ष की। एक बात आपसे डायरेक्ट बोल सकता हूं कि आप समझिए कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए जनता के द्वारा चुनाव होते हैं तो क्या होगा? आप समझिए कि जिसके पास सबसे ज्यादा जनता होगी परसेंट, वही प्रधानमंत्री बनेगा। अभी देखने को मिलता है कि लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपने प्रधानमंत्री साहब का चुनाव करते हैं एक तरह से। ठीक है, उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री बन जाता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हो, बस 6 महीने के भीतर आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके पहले सदस्य नहीं है तब भी आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों और दलों को कोई सीट नहीं मिलती है। मान लीजिए किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिले हैं लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिले हैं, उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। आप समझिए कि आपके गांव में 100 लोग रहते हैं, तब भी किसी का अगर सबको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, 25 वोट मिलते हैं उसे, तब भी वो जीत जाएगा क्योंकि बाकी बढ़ जाएंगे सब में। और बाकी बढ़ जाएंगे तो आप ये भी जान लीजिए कि 25% के मन में ही था कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करें, 75 लोग उसके खिलाफ थे लेकिन फिर भी वो राजा बन गया। समझ रहे हैं? यहां एक और व्यवस्था की गई है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की। आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनाव से करें जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल की बात कर रहा हूं। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। आगे बॉक्स देखें, कौन सा बॉक्स है, यहां इसकी बात कर रहा हूं। इजराइल में चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, वह विधायिका नीसेट के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं और प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है लेकिन मतदाता प्रत्याशियों को नहीं वरन पार्टियों को वोट देते हैं। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में ही विधायिका में सीटें भी मिलती हैं। इससे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल सकता है। शर्त यह है कि विधायिका में सीट पाने के लिए न्यूनतम 3.25 यानी कि 3.25% वोट मिलने चाहिए। इससे पर्याप्त बहुलवादी गठबंधन सरकार बनती है। निम्नलिखित सारणी में 2015 के नेसेट के चुनाव परिणाम दिए गए हैं और इसके आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि विभिन्न पार्टियों को कितने प्रतिशत सीटें मिली हुई हैं। यहाँ आपको इनको याद नहीं रखना है पॉइंट को, बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। पार्टी की नाम बात करें तो लिक्कोड, इसे कुल मतों का मिला है 23.40% सीटें मिली हुई हैं, 30 जियोनिस्ट शिविर, इसे 18.67% वोट मिला हुआ है, सीटें मिली हुई हैं 24। सीधी सी बात, यहां कहने का मतलब क्या है इनका, 100% वोट है। मैं बार बार 100% का उदाहरण ले रहा हूं। इसमें से समझिए आप लोग कि ऐसा कहा जाए कि आपने कौन कहां से जीता है ये मायने नहीं रखता है, कांग्रेस बीजेपी है या और भी पार्टी है, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां आप लोग देखते रहते हैं, तो किसे कितना परसेंट वोट मिल रहा है उसी हिसाब से आप समझिए कि 100% में से किसी को 20% वोट मिला हुआ है, किसी को 30% वोट मिला हुआ है, तो उसी हिसाब से उन्हें सीटें भी 100% मानकर उन्हें उनमें वितरित कर दिया जाए परसेंट के हिसाब से, यही बात की जा रही है। ठीक है, और प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुने लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही सीटें, 30% सीटें मिलती हैं जितनी 30% उसे वोट मिलता है। आजकल क्या होता है, अभी आप समझिए कि किसी क्षेत्र में आप, मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता हूं और ना ही मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। मान लीजिए कि कहीं कोई जाति ए है, बी है,
ए जाति के लोग रहते हैं वहां 15%, और बी जाति के लोग रहते हैं वहां कितने, 20%, इसी तरह बटे हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि अगर सबसे ज्यादा वोटों की बात की जाए तो 20% को, 20 यानी कि बी जो पार्टी है, बी जो जाति है, उसका प्रतिनिधि मतलब उसकी जीत होगी क्योंकि उसके पास 20% वोट हैं, और ए के पास कितने हैं, 15% वोट हैं मान लीजिए। तो आप समझिए कि जो ए है उसका कोई मतलब भी तो नहीं है, क्योंकि 100% क्लियर है कि आपका बी जीतेगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि 15% सीटें मिलेंगी किसे, ए को, और 20% सीटें मिलेंगी बी को, तो ऐसी इजराइल में व्यवस्था की गई है। हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसमें बता रहा हूं लोकसभा और विधानसभा या फिर आपके सरपंच साहब के चुनाव में बात कर रहा हूं मैं। अभी तो यही मान लिया जाता है कि आपके क्षेत्र में कौन सी जाति कितनी है, सबसे ज्यादा है सबसे कम है, इसका कोई मायने नहीं रखता है। सबसे ज्यादा वोट जिसे मिली वही जीत जाएगा, आपने किसे वोट दिया है ये मायने नहीं रखेगा। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें से उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे आपके, आपने देखा होगा कई पार्टियों को कई परसेंट वोट मिले हुए हैं, उन्हें पार्टी जीरो मिली हुई, मतलब उन्हें सीटें जीरो मिली हुई हैं, उन्हें मतलब आप सोचिए एक भी सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन उन्हें वोट मिले हैं। अगर ऐसा होता कि आप समझिए कि आप एक तरह से ये व्यवस्था हमारे देश में भी होती जो समानुपातिक की बात की जा रही है, तो आप समझिए उन्हें भी उतने ही एक तरह परसेंट सीटें दी जाती, समझ रहे हैं आप लोग। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। इस पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती हैं, और अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि निधि वास्तव में राजनीतिक दलों के केवल प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है, जैसे आपका हमारा संविधान राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा हो, विधान परिषदों के चुनाव के लिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। हमारे यहाँ आप समझिए लोकसभा या विधानसभा या आपके जो भी स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई है, हमारे यहाँ केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में ही इस तरह की व्यवस्था लागू है। ठीक है, इसे याद रखिए। सर्वाधिक वोट वाली पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना। ये भी कई बार आपसे पूछ सकता है, या तो आप देखेंगे इंटरव्यू में भी आपसे आ जाए क्वेश्चन, पूछ ले कोई भी, या लिखित एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एक तरफ आप देखेंगे विधायक का चुनाव, एक तरफ राष्ट्रपति का, एक तरह से आप चुनाव समझ सकते हैं। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। आप लोग कह सुनते रहते हैं ना कि हमारा विधानसभा क्षेत्र है या हमारा संसदीय क्षेत्र है, उसी की बात कर रहा हूँ। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप हर बार मानिए वही बात कि आप समझिए कि आपके यहाँ कितने परसेंट कौन जनसंख्या है। कई बार आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में इतने परसेंट अनुसूचित जाति है, इतने परसेंट आपकी अनुसूचित जाति है, इतने परसेंट मुस्लिम है, इतने परसेंट हिंदू है। अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात उठे तो सभी को उतना अधिकार मिलेगा। अगर 10% मुस्लिम है तो 10% वहां सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित रहेंगी, एक तरह से उन्हीं को मिल जाएंगी, वो जिसे मतलब चाहे बना सकते हैं। अगर 15% हिंदू है तो 15% सीटें एक तरह से हिंदू को मिल जाएंगी, हिंदू किसे चुन रहे हैं उसे मिलेंगी, समझ रहे हैं आप लोग, उस पार्टी को मिलेंगी। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यहां आप देखेंगे मतदाता पार्टी को वोट देता है, एक तरह से इनमें दोनों में तुलना की जा रही है, अंतर बताया जा रहा है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, यहां आप लोग देखते भी हैं, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात विधायिका में सीटें हासिल होती हैं।
एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा बिहार में एक आरजेडी पार्टी है लालू यादव की, वो आपने देखा है 2019 के चुनाव में जीरो रहा, मतलब एक भी सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन उसे परसेंट कुछ परसेंट वोट तो मिले। अगर आप सोचिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था होती है समानुपातिक की, तो आप सोचिए सोचिए कि उन्हें जितनी परसेंट वोट मिले हैं उसी अनुपात में उन्हें कुछ सीटें भी दी जाती। ठीक है, विजयी उम्मीदवारों को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत 50% प्लस एक मिले, यहाँ आपको अगर 100 वोटों में से सबसे ज्यादा वोट जिसे भी मिल जाते हैं, चाहे वो 49 वोट हो चाहे 20 वोट हो, सबसे ज्यादा वाले को जीता विजयी मान लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, एक तरह से जिसके पास बहुमत है उसी के पास। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं यूनाइटेड किंगडम और भारत, यहां देख सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव में आप इनका उदाहरण दे सकते हैं। और अनुपातिक अगर चुनाव व्यवस्था की बात करें तो इजराइल और नीदरलैंड के उदाहरण है। इन पॉइंटों को विशेष तौर पर आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। हमारे यहाँ जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी बात की जा रही है। आप जानते हैं कि संसद में आपके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति साहब, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, आप समझते हैं कि लोकसभा सदस्यों को आप लोग डायरेक्ट चुनते हैं, जिसे आप लोग एमपी भी कह देते हैं। राज्यसभा सदस्यों को आपकी एमएलए यानी कि जिन्हें आप विधायक कहते हैं वो लोग चुनते हैं, और राष्ट्रपति को आप चुके चुनते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक शब्द बोला है मैंने, निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी आपको याद रखिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है, इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है, और इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वैधता क्रम में मत देना देता है। जीत लेने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर निकाला जाता है। कोटा का सीधा सा मतलब है कि एक व्यवस्था रख दी जाए कि आपको, अगर मान लीजिए कि आप कहीं पेपर देने जा रहे हैं, कह देंगे कि अभी तो एक तरह से हमारे देश के चुनाव व्यवस्था में अगर बात की जाए तो आपको सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं, आप पास हो जाए। लेकिन आपसे एक व्यवस्था कर दी जाए कि अगर 50% से अधिक आप अंक पाते हैं तभी आपका चुनाव होगा, आप तभी जीते कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कुल मतदान यानी कि कितने वोट पड़े, फिर आप देखेंगे कुल विजयी उम्मीदवार +1 और यहाँ +1। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों चुनना है तो विजयी उम्मीदवारों को देखेंगे 200, ये कुल यहाँ के विधायक हो गए। फिर आप देखेंगे 4 जो 4 चुनने हैं +1 + यहाँ एक, तो आप यहाँ से इस तरह से डिवाइड करिए इसे, और यहाँ 41 वोट की जरूरत पड़ेगी। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती है तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे वो ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हों, और उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने पहले को दिया है 1 नंबर, आपकी पसंद पहला है 1, फिर दूसरा है 2। ठीक है, आप समझिए कि आपका जो पहला अगर नहीं जीत पा रहा है, उससे नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपकी वरीयता को देखा जाएगा कि प्रथम पर आपने किसे चुना था, दूसरे पर आपको किसे चुना था, तीसरे पर आपने किसे रखा था। ठीक है, लेकिन आपकी विधानसभा और लोकसभा सदस्य में चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ केवल एक ही ऑप्शन होता है कि आप चुनिए किसी भी को। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि पहले हमें कांग्रेस वाला पसंद है, दूसरा आप कह दें कि बीएसपी वाला पसंद है, तीसरे पे बीजेपी वाला पसंद है, चौथे पर आप पार्टी वाला पसंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको केवल एक ही पसंद है कि आपको कौन, इनमें से 4 में से 1 आपके पास विकल्प है, आप चुनिए कौन सा है। ठीक है, याद रखिए भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होता होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है
उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश में भारत में लागू नहीं होती है। अभी आप देखते हैं कि इतना खर्च आता है, एक तरह से समझ रहे हैं आप लोग, अगर इस व्यवस्था को लगा दिया जाए तो कई दिनों का समय लगेगा और खर्च भी बढ़ जाएगा। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है और उस सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। अभी आप समझिए कि राज्यसभा या लोग आपके विधानसभा जो रहते हैं, इसमें यही फर्क है कि विधानसभा में आपको सीधा पता है कि आप जिसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वही विजयी है, लेकिन राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया हर किसी को समझ में नहीं आती है, या राष्ट्रपति साहब के चुनाव की प्रक्रिया हर किसी को समझ में नहीं आती है। कई लोग इसमें एक तरह से भ्रमित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं कि मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। ऐस नो में आप समझिए कि आपके पिताजी घर में हैं, जब वो फैसला लेते हैं वो कह देते हैं बेटा वहां जाना है आपको, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि हाँ भर दीजिए या ना भर दीजिए, अपनी सफाई का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसी ही व्यवस्था देखते हैं आप लोग लोकसभा राज्यसभा और अपने स्थानीय चुनाव में। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी, वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्था में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है, उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अगर आप सोचिए कि समानुपातिक की प्रक्रिया हमारे देश में लागू होती है, तो अभी आप 100% वोट मान लीजिए, उनमें से जिन पार्टियों को जितने परसेंट वोट मिले हुए हैं उसी हिसाब से सीटें बटी हुई होती हैं एक तरह से। ठीक है, ऐसा ना होता कि किसी को अगर 7% भी वोट मिले हुए हैं और सीटें उसे 0% मिली हुई हैं, या सीटें एक भी नहीं जीत पाई है, तो उसे 7% के हिसाब से सीटें भी दी जाती हैं। ठीक है, कार्टून कार्टून बोझो, इस कार्टून में भीमराव भीमकाय कांग्रेस के आगे विपक्ष के एक बौने के रूप में दिखाए गए हैं, क्या है हमारे निर्वाचित प्रणाली का परिणाम था। एक तरह से व्यवस्था ही की जा रही है कि आप समझिए कि एक क्षेत्र में, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि मानने के लिए, एक तरह से समझने के लिए इस व्यवस्था को मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कोई भेदभाव किसी से करना नहीं है। एक क्षेत्र में आप समझिए कि अनुसूचित यानी कि जिसे आप लोग ST कहते हैं, वो 15% लोग रहते हैं, वो एक तरह से अल्पसंख्यक हैं उस क्षेत्र में, और आप समझिए दूसरी जातियां बहुसंख्यक में हैं, तो आप समझिए वहां उनके 15% वोट का कोई महत्व नहीं है, उन्हें कोई प्रतिनिधित्व या उनका उन्हें उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं रहेगा वहां। अगर समानुपातिक प्रणाली लागू होती तो उन्हें 15% के हिसाब से उन्हें भी कुछ अधिकार दिए जाते एक तरह से, समझ रहे हैं। अभी यहाँ तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिसे वोट मिले हुए वो जीत गया, 15% कहाँ पड़े हैं, 20% किसके पक्ष में पड़े हैं, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार की स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बट जाएंगी। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, आप खुद सोच के देखिए, क्या प्रधानमंत्री साहब को बहुमत मिल पाता? आधे से अधिक जनसंख्या अभी भी इस 2019 के चुनाव में भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसने अन्य अलग अलग पार्टियों को वोट किया है। तो मान लीजिए आप अगर कि इस तरह की समानुपातिक प्रणाली हमारे देश में लागू होती तो हमारे प्रधानमंत्री साहब बन पाते। वहां भी इसी तरह से व्यवस्था की जाती कि समानुपातिक प्रणाली से प्रधानमंत्री का भी वो बंटवारा होगा, तो ये एक तरह से भेदभाव रहेगा रहता हूं। इसीलिए हमारे देश में क्या किया गया कि सबसे ज्यादा जिसे वोट मिलेगा और सबसे ज्यादा सीटें जिसे मिलेगी वही हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, वरना आप देखते कि बहुत गठबंधन की सरकारें हुआ करती होंगी, आप समझिए सभी को साथ लेके बात करनी होती।
सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधन को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने के मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रवाद व्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कहां पहुंचे, क्या समझे। 2016 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम दिए गए हैं, और याद रखिए चुनाव के परिणाम केवल आपको समझाने के लिए दिए गए हैं, यहाँ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। विधानसभा की संरचना कैसी होती यदि आप इजराइल की तरह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती, किस पार्टी को बहुमत होगा, कौन सरकार बनाएगा, इस व्यवस्था का राजनीतिक दलों के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे तमिलनाडु में 234 सीटों की बात की जा रही है, 232 पर चुनाव हुए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे AIDMK को वोट कितने मिले हैं, 40.77%। सीटें कितनी मिली हुई है, 135 सीटें। DMK को कितना मिला हुआ है, 31.64%, और सीटें कितनी मिली हुई है, 88%। आप देखिए INC को कितने मिले हुए हैं, 6.42%, और सीटें कितनी मिली हुई है, 8%। मुझे लगता है कि यहां आपको समझ में आ जाएगा। देखिए BJP को वोट कितने मिले हुए हैं, 2.84%। मान लीजिए कि 100% जनसंख्या रह रही तमिलनाडु में, तो उसमें से 2.84% लोग BJP को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन सीटें कितनी मिली हुई हैं, 0। अगर हमारे यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती तो इसमें 2.84% के हिसाब से BJP को भी 232 सीटों में से कुछ सीटें दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है। तो यहां आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है, और इसने केंद्र और राज्यों के बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है, और स्थायी एक सरकार भी बनती है। वरना आप समझिए कि अगर समानुपातिक प्रणाली होती तो कई बार सरकार गिरती, कई सरकारें बनती, कई मिटती। ये भी बात है कि यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि एक इसके कई पक्ष में भी एक तरह से तर्क दिए जा सकते हैं, कई विपक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं। विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि मान लीजिए कि 15% अगर किसी देश में अगर 52-55% भी विपक्ष में है, जो सरकार बहुमत मतलब जीती हुई है, जिसका प्रधानमंत्री है, उसके विपक्ष में आपके 52-55% लोग हैं, तो आप समझिए कि उस देश में 55% लोग इस प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं कर रहे, इसे अपना नेता नहीं मान रहे, तो उन लोगों के ख्याल का क्या होगा, समझ रहे हैं आप, उनके हितों का क्या होगा। लेकिन यही मान लिया जाता है कि आपने किसे वोट दिया है, प्रधानमंत्री साहब को यह तो कभी नहीं सुना होगा कि मेरे प्यारे 35% लोग या मेरे प्यारे 42% लोग, वो तो यही कहते हैं कि मेरे प्यारे 121 करोड़ जनसंख्या, जब भी देखते होंगे 131 कह देते हैं कभी, 125 कह देते हैं कभी, 125 कह देते हैं कभी, तो आप समझ रहे हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसमें ये भी अच्छा ही है। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से भी अपने सभी वोट प्राप्त किए। अगर आप समझिए कि मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से कि अगर अनुपात समानुपातिक प्रणाली होती तो जो समुदाय जाति के नाम पर एक तरह से पार्टी बनी हुई है उसको भी सीटें कुछ ना कुछ सीटें मिलती। BJP को आपने देखा है, तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं, 2.84% के हिसाब से उन्हें भी कुछ सीटें दी जाती अगर समानुपातिक प्रणाली लागू होती तो। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे, और 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है।
लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। एक बात और आपको बताऊं, ऐसा कहा जाता है इतिहास में, जब आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको मालूम चलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, फिर चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भीमराव अम्बेडकर हो, कई लोगों ने कहा कि हमारे देश में एक ही पार्टी होनी चाहिए, कांग्रेस। लेकिन इन्होंने बहुदलीय राजनीति की बात की थी कि कम से कम जनता के पास विकल्प तो हो। मान लीजिए कल कांग्रेस बिल्कुल भ्रष्ट हो जाए, वो जनता का ख्याल ना रखे, तो दूसरा विकल्प तो होना चाहिए कि जनता का ख्याल रखने के लिए किसी और को आप चुने, समझ रहे हैं? फिर मतलब क्या रहेगा लोकतंत्र का? फिर तो राजतंत्र ही बेहतर था, ठीक है? ये भी देखा गया। और आजकल आप देखते होंगे एनडीए और यूपीए का काफी नाम सुनते रहते हैं। एनडीए में आप समझिए बीजेपी मुख्य पार्टी है और उसकी बाकी क्षेत्रीय पार्टी मिलाकर एनडीए कहलाता है, और यूपीए में कांग्रेस मुख्य पार्टी है, उसकी बाकी जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उसे यूपीए कह देते हैं, ठीक है? तो यही है। आजकल आप देखते हैं कि 14वीं और 2014 में जो चुनाव हुए थे और 2019 में जो चुनाव हुए हैं, इनमें बहुमत मिला हुआ है, इनमें गठबंधन की बात नहीं है। लेकिन आप उससे पहले चले जाइए तो काफी गठबंधन की सरकारें आपने देखी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपने देखा होगा कि 13 कहते हैं 13 पार्टियों का गठबंधन था उनका, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कभी आप लोग उनका वक्तव्य सुनते भी होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की अगर बात करें, हमने पहले पढ़ा है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही चुनाव हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का आयत हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है और ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम क्या हुआ कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित समूह सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। मैं ये कहूंगा कि हमारी सोच की बात हो, हमारे ज्ञान की बात हो, हमारी विशेषज्ञता की बात हो, हमारी कुछ भी ज्ञानी बनने की बात हो, हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम भीमराव अंबेडकर से बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उस समय सोची थी कि अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तब भी हमारे देश में गड़बड़ देखी जाएगी और कठिनाई देखी जाएगी, और हम लोग दूसरे पक्ष को भी भूल जाएं तब भी एक तरह से यहाँ कठिनाई देखी जा सकती है। तो आप देखते होंगे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा है, तो वहां सीटें भी उनके लिए आरक्षित की गई हैं। तो आप समझिए कि सभी का ख्याल रखा गया है। अगर सामान्य वर्ग का ख्याल रखा गया है तो पिछड़ों का ख्याल रखा गया है, दलितों का भी ख्याल रखा गया है, ठीक है? सभी के साथ एक तरह से न्याय किया हुआ है उन लोगों ने। आज के नेताओं की मैं कहता हूं कि उस समय के नेताओं से तुलना मत कीजिए। आज आप देखते हैं कि कोई या तो आपको बलात्कारी या आप सोचिए कि हत्यारा या डकैत आपको लोकसभा राज्यसभा में अधिकतर सदस्य मिल जाएंगे, या विधानसभा की बात कर रहा हूं। लेकिन उस समय समझिए कि पढ़े लिखे हुआ करते थे, भीमराव अम्बेडकर साहब को देख लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आप देखते हैं कि कई विचारधारा नहीं मिलती थी कई जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर साहब के भी। लेकिन नेहरू की पहली मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि कानून की विशेषज्ञता हासिल किए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके पास एक अच्छी सोच थी और भारत को एक करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, समझ रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं लगता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो इस तरह से भारत एक हो पाता। हमारे देश में तो पहले ही बोल दिया था बाकी देशों ने कि भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, भारत एक बन के कभी रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको देखने को मिल जाए कई तरह के हमारे यहाँ समूह हैं, कई तरह की जातियां हैं, कई तरह के धर्म हैं, समझ रहे हैं? कई भाषाएं बोलने वाले हैं। आप समझिए कि 1947 आते आते आप देखेंगे 565-64 रियासतें सब अलग अलग होना चाह रही थी। लास्ट तक आप देखते रहते हैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर लास्ट तक लड़ती रही। इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो कहते हैं कि वो कहते थे कि सुना है, ऐसा मैंने भी पढ़ा है कि वो एक हाथ में मिठाई लेके जाते थे और दूसरे में आप कहिए डंडा लेके जाते थे। क्या पसंद है आप खाना, आप खाइए, ठीक है? वही हाल है कि गन्ने को आप चूस भी सकते हैं और खा भी सकते हैं।
तो क्या करना है आपके पास ऑप्शन है। फिर आप देखेंगे पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है, इसलिए देश की अपूर्ण क्षति है। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। हम मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते और खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार ना करें, तैमूल हुसैन ने ये कहा है। ठीक है, चलिए हटे। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि वो यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। मान लीजिए आपकी विधानसभा है, ठीक है, और वहां मानिए कि किसी कोई जाति रहती है, तो वो केवल वही जाति उसे वोट दे सकती है। ऐसी व्यवस्था की बात की जा रही थी, लेकिन हमारे जो भी संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने कहा कि मान लीजिए चलिए आपकी संख्या वहां अधिक है, तो जो भी आपका, जो भी एक तरह से आपका ये प्रत्याशी होगा आपकी जाति का होगा और इसमें वोट सभी जाति डाल सकती है। ठीक है, एक तरह से आप समझिए सभी को ख्याल रखा जाएगा उसके द्वारा। अगर आप सोचिए अनुसूचित जाति से कोई अगर उम्मीदवार खड़ा हुआ है और वहां आरक्षित है वो सीट, तो चलिए ओबीसी का नहीं लड़ पाएगा और आपका सामान्य वर्ग का नहीं लड़ पाएगा, लेकिन आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, उसमें सामान्य वाले लोग भी वोट दे सकते हैं और पिछड़े भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए एक पॉइंट और यहां बता दूं, अगर जनरल सीट रहती है तब ओबीसी सीट रहती है, तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लोग चुनाव ना लड़ सके, वहां सभी कोई चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सीट है तो वहां आप सामान्य वर्ग या ओबीसी के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को बड़े अच्छे से याद रखिए। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती है कि किसी बेकिसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नजर डालेंगे तो वे अच्छे खास बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी और अनेक संविधानिक संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक के लिए कर दिया गया है और समय समय पर इसे बढ़ाते रहते हैं। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है और लिया है अभी, आप समझिए इसलिए लिया है, कभी भी अनुसूचित जाति या आरक्षण के मुद्दे पर, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर कोई भी पार्टी इनसे पंगा नहीं लेना चाहेगी। इससे पहले आप लोग जाइए बिहार चुनाव, पिछले बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं, वहां किसी ने जाके कह दिया था कि आरक्षण हटाया जाएगा। आप समझिए कि बीजेपी को किस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा था। और जब भी आरक्षण की बात होती है तो कोई भी पार्टी खुल के नहीं आती है, आपने खुद देख लिया होगा। ठीक है, इन दोनों समूह की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। लोकसभा की 543 निर्वाचन सीटों में 84 अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए 26 जनवरी 2019 की स्थिति के लिए आरक्षित की है, अभी भी यही है। तो आप लोग इसे विशेष तौर पर याद रखिए, लोकसभा सदस्यों में जो 543 में से आपकी 84 सीट है अनुसूचित जाति ऐसी लोगों के लिए एक तरह से आरक्षित की गई है और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, इन्हें जरूर याद रख लीजिए थोड़ा। ठीक, और याद रखिए आरक्षित का ये मतलब बिल्कुल कतई ये मत लीजिए कि इस पर वोट केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग ही डाल सकते हैं। ये चुनाव उनके समूह से लड़ेगा लेकिन वोट सभी लोग देंगे। ठीक है, लेकिन भारत के आदिवासियों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। ब्रिटिश सरकार प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उनके ही कारण हमें अब तक ऐसे अलग थलग करके रखा गया था जैसे किसी को चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं और इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया है। हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 में से कुल 24 विधायक आदिवासी थे और केंद्र में तो एक भी नहीं था, यह जयपाल सिंह ने कहा था। ठीक है, इसे भी याद रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अब बात करते हैं कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे और यह कौन तय करेगा। अब मैंने देख लिया है कि इतनी सीटें आरक्षित कर देंगे अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए।
आप विधानसभा में भी देखते होंगे अपने अपने क्षेत्र में, तो इनका निर्धारण कौन करता है आखिर? ये भी तो कोई करता होगा, अपने मन से तो दे देते नहीं होंगे कि चलिए इस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया है। कुछ आधार तो होगा उस क्षेत्र का। किस आधार पर निर्णय लिया जाता है? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे आप लोग परिसीमन आयोग कहते हैं। किस क्या कहते हैं? परिसीमन आयोग कहते हैं। और समय समय पर इसका गठन भी होता रहता है, ठीक है? तो राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है, यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है, और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। कौन कौन सी बातें? आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए है कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है, और जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन भी किया परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार की आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता है। इधर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है, यह देखते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं और उनके लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की बात भी हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। आप देखेंगे पंचायतों में स्थानीय चुनाव होते हैं, उनमें आरक्षण की बात भी की गई है महिलाओं को, कि 33% आप समझते ही उनके लिए होना चाहिए। और वैसे भी आप समझिए कि आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी आप लोगों की पुरुषों की है। और आप सोचिए कि लोकसभा में आप देखते होंगे कितनी महिलाएं चुनी जाती हैं। चलिए आप समझिए, अभी 2019 में चुनाव हुए, उसमें काफी अच्छी 78 के करीब आपकी महिलाएं चुनी गई हैं, सबसे ज्यादा इसी बात चुनी गई है, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन आप सोचिए कि 543 में से 78 कम नहीं होती, बहुत कम है। तो उनके ख्याल रखने के लिए एक तरह से आरक्षण की बात की जाएगी, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए भी आरक्षण की जाए सीटें। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव भी लाया गया, पर उसे पारित नहीं किया जा सके। यानी कि एक समझिए पितृसत्तात्मक हमारा समाज है। आप समझते हैं किस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आप समझिए, अगर सभी पार्टियां तैयार हो जाए तो इस पर कोई ज्यादा बहस वाली बात भी नहीं है। आधी महिलाओं की जनसंख्या है, आधी पुरुषों की, तो उन्हें भी तो प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई मतलब उनकी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यही हाल है। अब बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की। किसी भी चुनावी प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। इसमें आप लोग, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की, क्योंकि आप समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी को चुना, आपको भरोसा ना हो चुनाव पर, ये चुनाव आयुक्त तो ऐसा ही है, किसी को भी चुनाव जिता सकता है, किसी को भी हरा सकता है, तब आप क्या कहोगे? क्या तब आप वोट डालने के लिए जाओगे? कभी नहीं जाओगे। आप देखेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 से ही कर दी गई है, जब से चुनाव होना शुरू हुआ तभी से लगभग कर दी गई है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके एक तरह से फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन, ये भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है? और वर्तमान में जो है उस हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्तमान बदलते रहते हैं, ठीक है? तो यही हाल है चुनाव का। और इसमें जो इसके जो नियुक्ति करता है, फिर चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्तों की, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति साहब, ये भी कई बार पूछ लेता है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष या फिर आयु 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके हिसाब से। इसमें जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष या आयु रहती है 62 वर्ष, जो भी पहले हो, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? और निर्वाचन आयोग की अगर हम कामों की बात करें, तो निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व होता है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षक, निर्देशन व आयोजन करवाए, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है, निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है और राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी करवाता है।
राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण भी करता है एक तरह से। संसद विधायक की अयोग्यता पर एक तरह से राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह भी देता है। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाली व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए आयोग भी घोषित करता है। यही एक तरह से आपके जो भी निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसका काम है। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि 3 नंबर MPPSC में देखते हैं आप लोग, 3 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां भी पूछ सकता है या आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले कि चुनाव आयोग के काम क्या क्या है, आखिर बताइए आप लोग, तो वहां भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, और NCERT आपको इसीलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आपका बेस मजबूत हो। आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोल रहा हूं आप लोगों से कम आप लोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के और ऑप्शनल के कम से कम आप लोग 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर अपनी टेबल पर रखिए और सिलेबस अपनी टेबल पर रखिए और देखिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप इस गलत फहमी में है कि 10th 12th या आप जब भी डिग्री कर रहे हैं उस समय की बात अगर सोच रहे हैं तो गलत है। ठीक है, यहां आपकी अपनी सोच काम करती है, आपका रट्टा हुआ काम नहीं करता है। ठीक है, याद रखिए। और आप संविधानिक संस्था है चुनाव आयोग, क्या है संविधानिक संस्था है, आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 324 है इसमें इसका एक तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मतदाताओं की आकांक्षा चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। अब देखते हैं हम लोग कहां पहुंचे और क्या समझे। ये भी अच्छी बात है कि ये भी आपको बता दिया गया कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपके लिख नहीं दिया जाता है रोड पर कि आपका दिल्ली इतने किलोमीटर रह गया, तो आपको मालूम तो चल जाता है कि इतने किलोमीटर आप पहुंच चुके हैं। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, भारत में आबादी मुसलमानों की है कितनी, 14.2%, लेकिन लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या सामान्यतः 6% से थोड़ा कम रही है, जो जनसंख्या में उनके अनुपात के आधे से भी अधिक है। यह स्थिति अधिकतर राज्य विधानसभाओं में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात होती तो 14.2% या जिस भी राज्य में जितने भी परसेंट मुस्लिम है या अन्य जाति के लोग हैं उन्हें उतनी सीटें दी जाती। ठीक है, लेकिन आपको यहां देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम है 14-15%, लेकिन सीटें उन्हें 6% है। ठीक है, 3 छात्रों ने इन तत्वों से 3 अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं, आप बताएं कि आप उनमें से सहमत हैं या असहमत हैं। हिलाल, यह सर्वाधिक मत से जीत बाड़ी खिलाड़ी को अन्याय होने को दिखाता है, हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनानी चाहिए। आरिफ, यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने के उचित को बताता है, आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमानों को भी उसी तरह का आरक्षण दिया जाए जैसा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया जा सके। सभा, सभी मुसलमानों को एक जैसा मानकर बात करने का कोई मतलब नहीं है, मुसलमान महिलाओं को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमने मुसलमान महिलाओं के लिए अलग आरक्षण चाहिए। इस पर हम लोग बड़े विस्तार से बात भी कर चुके हैं कि एक तरफ आप समझिए किस तरह से व्यवस्था होती, और मुझे लगता है कि हमारा देश बढ़ने की कगार पर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप अभी तो कम से कम आपको भरोसा है कि हमें कम से कम इस जाति के भी वोट चाहिए, इस जाति के वोट भी चाहिए जीतने के लिए। अगर आपको क्लियर हो जाता कि आपके 15% आप मुस्लिम हैं या 15% हिंदू हैं या कोई और जाति के हैं, और मुझे इतनी, मैं कुछ भी करूं, मैं सामने वाली जाति को गाली दूं या उन्हें मारूं, कुछ भी करूं, तब भी हमारी जीत होगी, तब तो ये भेदभाव और खाई बढ़ जाती है इसकी। समझ रहे हैं आप लोग, तो बड़ा सोचा समझा चार मतलब खेल रहा है हमारे संविधान में। आप सोचिए कि आज भी हम लोग उस संविधान पर भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग भरोसा करते रहेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। अब आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें तो आप देखते होंगे कि विधानसभा में आप, फिर चाहे सरपंच साहब बनना है आपको, आपको लोकसभा सदस्य बनना है, आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको उपराष्ट्रपति बनना है, विधान परिषद सदस्य बनना है, तो क्या उम्र होनी चाहिए। तो इसके लिए वोटर की संख्या की बात करें तो आप समझिए कि 18 साल रखी हुई है। अगर आप 18 साल पार कर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है तो 21 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, विधानसभा सदस्य या फिर लोकसभा सदस्य बनना है तो 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, आपको राज्यसभा या फिर आपको विधान परिषद सदस्य बनना है तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखिए। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है, मतदाता कौन हो और
कौन चुनाव लड़ सकता है? इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए और इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं, आप गरीब हैं तब भी वोट नहीं दे सकते हैं, आप महिला हैं या फिर किसी जाति से आते हैं तब भी वोट नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी हैं, कोई भी लिंग है आपका, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, सबको वोट देने का अधिकार है अगर आप 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है। अनेक देशों में नागरिकों को इस आधार को अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन हमारे यहाँ जब से शुरू हुआ यही हुआ। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला है। भारतीय संविधान में निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वर्ष भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। आप समझिए, मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, तब स्थिति क्या होती? मान लीजिए कि जो आय देता है उन्हीं की वो ही वोट देने के अधिकार पा सकते थे, तो आप सोचिए कि जो दबे पिछले जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनका क्या होता? चलिए कम से कम 5 साल में आपके पैर छूने के लिए सरपंच साहब हो या विधायक हो पहुंच तो जाता है। अगर उसे मालूम होता कि इनकी वोट नहीं है तब वो आपको सकल भी ना देख पाते, आप अपने जो भी उस समय का विधायक होता, उस समझ रहे हैं, एमएलए होता या एमपी होता या सरपंच साहब होते, तो कम से कम आप शुक्रिया अदा करिए अपने संविधान निर्माताओं का, ठीक है? विशेष तौर पर आप भीमराव अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, गांधी जी हों। मैं एक बार 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 बोल रहा हूँ, जो गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में या सरदार वल्लभ भाई पटेल या आप समझिए भीमराव अंबेडकर के बारे में गलत बोलता है, वो या तो व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से ही इतिहास उसने पढ़ा है, उसने कभी इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है? अगर उस समय आप भी होते तो आपसे भी कुछ गलतियां होंगी। आप समझिए इतनी समस्याएं खड़ी हुई थी, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक आध गलती हो गई तो उसके लिए आप पूरा जिम्मेदार अभी तक उसी पर रोटी सेंकते रहे। एक कोई मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप काफी समझदार भी होंगे, और बेवकूफों के लिए तो आप समझिए पूरा तर्क वितर्क करने के लिए करने दीजिए, ठीक है? आप अपने जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका एक तरह से सम्मान किया करिएगा। 1989 में आप देखेंगे 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। एक तरह से कहने का मतलब है कि 1989 तक जो लोग 21 वर्ष के थे उन्हें ही एक तरह से वोट देने का अधिकार हुआ करता थे, लेकिन 1989 के बाद आप देखेंगे संविधान में एक संशोधन किया गया, उसे घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया। अब अगर आप 18 साल के हैं तब आप वोट डालने के लायक हो चुके हैं। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया है, और अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था, वे समाज और देश और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों के निर्णय ले सकते हैं। अब आप समझिए एक तो भेदभाव होता कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है या महिला है उसे वोट देने का अधिकार ना हो, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं रखा है, सभी को बराबर वोट देने का अधिकार रखा है। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है। आप किसी भी जाति से आ रहे हैं, किसी भी समूह से, धर्म से आ रहे हैं, लिंग से आ रहे हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप जो उसमें एक तरह से सीमा रखी गई है कि 21 साल आप हो गए तो आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं, या आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो आप एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है? लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न यानी कि एक सीमा रखी गई होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, राजनीति का अपराधीकरण। एक समय ऐसा हुआ करता था, आप लोगों ने बड़ी मूवियां देखी होंगी, अच्छी अच्छी साउथ की मूवियां विशेष तौर पर आप लोगों ने देखी होंगी, मुझे लगता है कभी कभी कि वो सच्चाई तो दिखाती हैं आपकी। आप समझिए कि एक समय हुआ करता था कि ये गुंडे जो हुआ करते थे, ये हत्यारे जो बलात्कारी हुआ करते थे, नेताओं को जिताते थे, इनके बाद पास भी दिमाग आया, इनने भी सोचना शुरू किया
कि जब हम दूसरे को जिता सकते हैं तो खुद क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो आज इसी को आप लोग राजनीति का अपराधी क्यों कह देते हैं, तो राजनीति में एक तरह से अपराधी आ चुके हैं। ये आपकी 21 अक्टूबर 1951 की पिक्चर है, देख लीजिए। सार्वभौमिक वस्त्र मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है, क्या यह संभालने योग्य नहीं है। यहाँ उस कहानी की तरह है जिसमें कई अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं कि अंधे कोई पैर पकड़ता है तो वो कह देता है पैर ऐसा है, कोई पूंछ पकड़ता है पूंछ के हिसाब से, कोई मुंह पकड़ता है, ठीक है उसी हिसाब से बता देता है। अब सबसे बड़ी बात आती है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की। अगर आप सोचिए कि जिस तरह से आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकार एक तरह से मौलिक अधिकार का दिया गया है, सोच लीजिए अगर आर्टिकल 32 ना होता तो आप क्या करते। अगर इसी तरह चुनाव की प्रक्रिया में भी बात है कि अगर निर्वाचन आयोग ना होता तो क्या महत्व रह जाता है, चुनाव करवाने का कोई मतलब नहीं था। आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करता है। तो निर्वाचन आयोग का भी यही काम है कि अगर कोई गलत उपयोग कर रहा है चुनाव जीतने के लिए तो लोग चुनाव आयोग के पास जाते हैं। समय समय पर आप सुनते रहते हैं कि इस नेता पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो ये चुनाव का काम होता है। ये चुनाव किसी के दादा का नहीं है, ठीक है, किसी बाप के किसी के बपोती नहीं है, इसलिए याद रखिए निष्पक्ष चुनाव। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रयास भी किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है। अनुच्छेद 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण एवं एक आयोग में निहित होता है जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है। तो याद रखिए आर्टिकल 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है, और आर्टिकल 280 आप देखते होंगे वित्त आयोग से संबंधित है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराना और चुनाव के संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। संविधान के एक साल कि ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदारी नहीं होती है, मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग काम करता है इस पर, ठीक है। जैसा कि हमें स्थानीय सरकारें वाले अध्याय में पढ़ेंगे, इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करता है। इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना दायरा है। एक समय से आप सोचिए उत्तर प्रदेश में होगा आपका, मध्य प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा, गुजरात में होगा, अलग अलग होगा, लेकिन आपके विधानसभाओं और राज्य सभा लोकसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर रहता है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या फिर बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया है। चुनाव के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1992 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई है और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया है। अभी भी यही व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। और शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा और अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसमें आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई है और आयोग पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेह भी बन गया है, ठीक है। और याद रखिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में कोई ऐसा शब्द मिले आपको जो समझ में ना आ सके तो आप उसका बताइए मुझे, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। एक तरह से आप अपने आप से पढ़ते हैं तब भी आप लोग कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी कहीं नहीं पढ़ाई जाती, किसी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन कई लोगों ने आप में से बोला था कि वो मैं ऑनलाइन पढ़ना पसंद करता हूँ, चलिए मैंने बोला कि मैं भी करवा देता हूँ। इसलिए मैंने तो एक तरह से आपसे वादा किया, इसलिए आप कुछ भी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, तब मुझे कवर करवाना पड़ा। और नोट्स से इसलिए कवर नहीं करवा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि कम से कम एक बार आप लोग एनसीईआरटी की शक्ल तो देख लें,
अब शॉर्ट नोट्स बना दिया, उसमें ना तो ये आपको चित्र देखने को मिलेंगे ना कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि कोई भी बुक्स है, कम से कम उसे एक बार आप लोग उसकी शकल तो देख लिया करिएगा, सभी पन्नों की शकल तो देख लिया करिएगा, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां समान है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही की जाती है। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। इस संख्या के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव भी दिया है। उसका उनका सुझाव है कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्षी नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी भी है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा भी देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले खत्म हो इसके लिए नियुक्त किया जाता है। पहले भी बता चुका हूं अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए अलग है और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अलग है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों से को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा कि ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ना हटा सके जो चुनाव में उनकी तरफदारी करने में से मना कर दे। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। यहाँ भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसे भी देख लीजिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, ये भी बड़े पॉइंट है आपके, इन्हें भी याद रखिए। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसे ही आप लोग विशेष बहुमत कह देते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, मान लीजिए कि आपको अपनी कक्षा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास कराना है। याद कल्पना कर लीजिए कि आपकी कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं, लेकिन मतदान के लिए केवल 51 विद्यार्थी उपस्थित हुए, उनमें से केवल 50 ने ही मतदान में भाग लिया। इस उपस्थिति में आप कब कह सकेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत के पास हो गया। इस पुस्तक के कम से कम 3 अध्यायों में आपको विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले अध्याय में जहां राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया जाता है, अन्य 2 स्थानों पर को ढूंढें जहां पर विशेष बहुमत की चर्चा की गई। विशेष बहुमत का आप समझिए 2/3 बहुमत, ठीक है, और साधारण बहुमत का मतलब है कि आधे आधे, ठीक है। 2/3 का आप निकाल लीजिए, 100 में से आप समझिए कि 2/3 जितना हो उतना ही, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे काम भी, उन्हें भी देख लीजिए कार्य उनके हुए। वह मतदाता सूची को नया करने के काम की देखरेख करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूची में गलतियां ना हो, अर्थात पंजीकरण मतदाताओं के नाम ना छूट जाए, ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के आयोग हों या जीवित ही ना हो। एक बात आप लोगों को और यहां बता देता हूं, सीटों का निर्धारण जो हुआ है 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है, समझिए। लेकिन कई लोगों ने कहा है कि सर वो जो 1971 में निर्धारण किया गया वही लोग वोट दे पाएंगे, नहीं। इसमें आप देखते होंगे अगर आपके बच्चे या आपके भाई बहन आपके कोई 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। हाँ ये है कि सीट कितनी जनसंख्या पर कितनी सीटें निर्धारित की गई, ये 1971 में ही निर्धारित कर दिया गया था। अब 2026 के बाद देखिए क्या होता है तब बात करेंगे। वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है, चुनाव की अवधि घोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। वह पूरे देश किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या फिर रद्द कर सकता है कि वहां माकूल माहौल नहीं है या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं हुआ है। समय समय पर आपने देखा होगा कि कई जगह इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। चुनाव आचार संहिता का सीधा सा मतलब है कि कुछ नियम एक तरह से निर्धारित कर दिया जाते हैं। आपके घर में भी तो नियम निर्धारित होते हैं कि आप 12 बजे के बाद घर नहीं आएंगे या 10 बजे के बाद घर नहीं आएंगे। आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, माफ करिए हॉस्पिटल में ना जाने की जरूरत पड़े, भगवान से यही दुआ करता हूं मैं, तो वहां भी तो नियम रहते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं।
निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित भी करता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं, वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है, और निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है या फिर उनके तबादले को रोक भी सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। विगत वर्षों में आप देखेंगे निर्वाचन आयोग स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है और जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष न्यायपूर्ण ढंग से काम भी किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात पर गवाह भी है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम अवधारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी भी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां उसके संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थी। आप समझिए कि संविधान में आपको भी बहुत कुछ अधिकार मिले हुए थे, लेकिन आप देखेंगे कि आज से पहले आप लोग उनका प्रयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन आज आप कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी के समय तो मीडिया के पास उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी कि आज की मीडिया के पास है, लेकिन आज की मीडिया अपने ही एक तरह से पैरों पर कुल्हाड़ी पटक रही है। अलग बात है क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक तरह से कहते हैं आप लोग मीडिया को, लेकिन आजकल आप मीडिया कहाँ दिखा रही है। कभी आप भी आप लोग न्यूज़पेपर खोलिए, पहले पर मर्डर बलात्कारी यही छपे रहेंगे, किसी या तो किसी नेता के प्रचार छपा रहेगा। कभी मैन साइड देखिए आप लोग, आज उसने वो प्रेगनेंट हो गई है वो एक्टर ने, अरे भाई इतनी जरूरी खबर है देश में, गरीबी से भुखमरी से लोग मर रहे हैं, बच्चों की स्थिति क्या है, उन पर दिखाइए ना न्यूज। लेकिन हमारे मीडिया देखिए, उनके मीडिया की भी मैं गलती नहीं मानता हूँ, उसमें आप देखेंगे आपकी भी उतनी ही गलती है क्योंकि आप मिर्च मसाला खबर सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से वो लोग अपने चला रहे हैं, ठीक है। 1951-52 से लोकसभा के 16 चुनाव हो चुके हैं, 2014 तक की बात कर रहा हूं, 2019 में आपने देखा है 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव उपचुनाव भी कराए गए। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा है। उनसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना ही पड़ा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई, वो चुनाव कराना पड़ा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव ना था और निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने के लिए स्थगित यानी कि रोक दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध भी ठहराया है। समय पर आप देखेंगे कि इस तरह की व्यवस्थाएं होती रहती। सावधान चुनाव जितना अब मुश्किल काम होने लगा है, अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान, कड़े अनुशासन जैसी कई नई मुसीबतों को झेलना पड़ता है। ये नेताजी हैं, ठीक है। पहले तो आप देखते थे कि खुली धमकी दी जाती थी, खुली एक तरह से आपको डकैती या आप पैसे बांट दिए जाते थे, डरा धमका दिया जाता था, लेकिन अब तो आपके पास कई ऑनलाइन सुविधाएं भी हो चुकी हैं, कई ऐप भी आ गए हैं कि जहां आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डरा रहा है, या उसका वीडियो कैप्चर करके आप लोग दे सकते हैं चुनाव आयोग को, समझ रहे हैं आपको, तो काफी अधिकार आपको भी मिल चुके हैं, बस आपको उपयोग करना सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि अधिकार कहां और क्या पहुंचे, आखिर हम लोगों ने इस सफर में कहां पहुंच चुके हैं। निर्वाचन आयोग को इन शक्तियों और विशेष अधिकारों को देने के बारे में आप क्या सोचते हैं, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकता है, सरकार मुख्य निर्वाचन आयोग को नहीं हटा सकती है, आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकता है जो निष्पक्ष ना लगे। याद रखिए अगर इस तरह की शक्तियां अगर चुनाव आयोग के पास ना होती तो मैं कहता हूं कि कोई चुनाव करवाने का कोई मतलब भी ना रहता, लोकतंत्र का कोई मतलब भी नहीं रहता। अब आप समझिए कि आपके पास एक ऑप्शन है, उसी को आपको चुनना है, उसी पार्टी को आप चुनिए या ना चुनिए, चाइना में यही तो है, आप चुने या ना चुने, जीतना उसे ही कोई है, तो आप क्या कहेंगे भाड़ में जाए, घर में बैठते हैं ना। अब बात करते हैं चुनाव सुधार की। समय समय पर बात होती रहती है कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती है, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं।
लोकतांत्रिक समाज को अनेक चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभव के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझावों निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा किए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिली हैं जिसे अनुपात में उन्हें वोट मिले। अब देखिए, इसमें बात की जा रही है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें नुकसान क्या हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों को जो भी जिस हिसाब से उनके वोट हैं उसी हिसाब से सीटें भी मिलनी चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि आरक्षण के मुद्दे पर और इन मुद्दों कुछ ऐसे मुद्दे हैं अधिकारों के मुद्दे पर हम लोग निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं। अब आरक्षण के बहस में दिन मतलब आप सोचिए कई सालों से बहस चलती आ रही है, चलती रहेगी, मुझे लगता है इसके निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह के जहां भी मुद्दे उठाए जाते हैं तो वहां आपको बड़ा बीच का रास्ता चुनना है और निकल जाना है। मैं कहता हूं अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि आरक्षण की व्यवस्था गलत है या सही है, तो आप लोगों को कहना चाहिए कि एक तरह से आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की अच्छी बात है। आपने देखा है कि सामान्य वर्ग के लिए एक तरह से 10% आरक्षण की बात की गई है, अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे अनुसूचित जाति में आपको बड़े आदमी देखने को मिल जाएंगे, ओबीसी में भी बड़े आदमी देखने को मिल जाएंगे और आपको जनरल में भी गरीब आदमी देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी भी एक तरह से उनको भी सुविधा हो सके। एक क्रीमी लेयर की अवधारणा आई हुई थी, लेकिन ये एसटीएससी पर लागू नहीं होती, मैं पहले बता देता हूं। क्रीमी लेयर का सीधा सा मतलब है कि आप लोग दूध उबालते हैं उसमें जो क्रीम आ जाती है उसे हटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ओबीसी में जो एक तरह से उसका फायदा मिल चुका है आरक्षण का, वो ऊपर उठ चुके हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सुधर चुकी है, उनको बाहर निकाल दीजिए। तो आपने देखा होगा क्रीमी लेयर की अवधारणा आई हुई है, और मुझे लगता है ओबीसी वाले हैं आप लोग, तो आप लोग जब भी फॉर्म भरते होंगे तब आपको ऑप्शन भी आता होगा, ठीक है, उसमें भी, और उसमें आप लोग देखते होंगे विशेष तौर पर कि जब आप लोग आप क्रीमी लेयर है आपकी अगर नो लगाते हैं तो आपको फीस ज्यादा होने लगती है, मतलब फीस कम हो जाती है, जैसे ही क्रीमी लेयर आप सिलेक्ट करते हैं तो फीस ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जितनी लग रही उतनी, ठीक। संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए जाए, ये भी अच्छी बात है। देखिए इस पर भी कुछ नहीं कह सकते हैं, अब समझिए आप लोग की 50% अगर महिलाएं, आधी महिलाएं, आधी कहूंगा मैं, तो उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए, समझ रहे हैं आप, समझिए महिलाओं की क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन्हें पुरुष नहीं समझ सकते हैं, उन्हें एक महिला ही समझ सकती है, समझ रहे हैं आप लोग। मैंने देखा है आप समझिए कि एक महिला आप नौकरी करते हैं, मैं कहता हूं कि आप कहीं भी नौकरी करते हैं, वीआईपी नौकरी, आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे नौकरी करते हैं, आप घर में जाके रुतबा फैलाते हैं, उस महिला को देखिए आप घर में, जो माँ हो या फिर आपकी पत्नी हो या आपकी कोई भी हो, देखिए महिला वो सुबह 4 बजे उठ जाएगी और रात में 10-11 बजे सोएगी, आप समझिए उससे उससे मेहनत ज्यादा आप करते हैं, कभी नहीं करते हैं आप लोग, फिर भी उसकी जो काम कर रही उसकी कोई इज्जत नहीं होती उस काम की, समझ रहे हैं आप लोग। लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा है कि खाना कितनी मुश्किल हो रही है, मुझे भी, मैंने देखा है कि मुझे भी बड़ी मुश्किल हो गई थी लॉकडाउन में, समझ रहे हैं, मतलब इस तरह से खाना खाने को मिला है कि मतलब इतनी मेहनत लगी है खाने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे तो तब मालूम चला, वैसे मैं तो हर महिला की सम्मान करता हूं कि भाई मैं बचपन में जली भी रोटी नहीं खाता था, लेकिन आजकल तो हम मतलब मिल जाए रोटी किसी भी तरह की, मैं कभी मना नहीं करूंगा, तो कम से कम उनकी सम्मान किया करेगा। वैसे चुनाव राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए, सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। इसका मतलब कहने का यही है कि अभी आप देखते होंगे कि आपके पास पैसा है तो आप चुनाव आराम से जीत सकते हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि चुनावी खर्चे पर एक तरह से रोक लगानी चाहिए और सरकार की कोई एक फंड बनाना चाहिए, उससे अगर कोई गरीब भी चुनाव लड़ रहा है तो उसे भी देना चाहिए, लीजिए आप भी लड़िए चुनाव, ठीक है, तो सभी चुनाव लड़ने की, अभी तो आप यही मान लेते हैं कि आपके पास पैसा है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ना तो
चुनाव जीतना मुझे नहीं लगता है कि मुमकिन है। समझ रहे हैं आप? जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए, भले ही उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। एक बात और देखी जाती है, अगर कोई हत्यारा भी है वो भी आप देखते होंगे चुनाव लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो न्यायालय में अपील कर देता है, और अपील कर देता है जब तक उसका निर्णय नहीं आता है तब तक वो चुनाव लड़ सकता है, उसकी चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगती है। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या आप स्थानीय चुनाव में आधे से अधिक आपके हत्यारे मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, डकैत मिलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये काम क्या करेंगे? ये तो अपना दिमाग वहीं लगाएंगे जहां इनका लगता है। तो ये भी देखने को मिलता है चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि कई बार इस तरह के मुद्दे भी आए हैं, चुनाव आयोग ने भी इस पर कई बार संज्ञान भी लिया है कि कोई भी जाता है हिंदू मुस्लिम इस तरह के धर्म राजनीति पर मंदिर मस्जिद पर बात करने लगता है, जाति पाति पर बात करने लगता है। ये भी मुझे लगता है कि खत्म होना चाहिए। और भारत को अगर किसी ने पिछाड़ा है, पीछे ढकेला है, तो यही हिंदू मुस्लिम धर्म जाति मंदिर मस्जिद। मैं तो सबसे बोलता हूं कि आप भी बोलिए भगवान की जय, आप भी बोलिए अल्लाह अकबर, जो भी बोलना है आपको, आप भी बोलिए जय वंदे मातरम, जो भी हो। ये नेताओं का क्या काम है कि ये लड़ाएंगे आप लोगों को? आप लड़ेंगे, वो अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, ना तो इससे हिंदू का फायदा होगा, ना ही मुस्लिम का फायदा होगा, ना जैन बौद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा, फायदा होगा नेताओं का। इसलिए आपको क्या मतलब है? आप ऐसे नेता को चुनिए जो आपका ख्याल रख सके। हिंदू है, मुस्लिम है, एसटी है, एससी है, इससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है? राजनीतिक दलों को कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। एक कुछ सीमित सुझाव भी दिए गए हैं, ये आप भी उपयोग कर सकते हैं, कभी निबंध लिख रहे हैं, कभी आंसर लिख रहे हैं आप लोग। एक कुछ सीमित सुझाव है, इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि इन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दलों और बेसभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का भावना का सम्मान करें। याद रखिए हमारे यहाँ की चुनाव प्रक्रिया तभी सुधर सकती है जब वोटर भी जागरूक हो और एक तरह से प्रत्याशी भी जागरूक हो। अपने कर्तव्यों के प्रति बता रहा हूं। अभी तो आप देखेंगे कि सरपंच का चुनाव आया होगा, मान लीजिए पहले 1000 का नोट मिलता था, अब 2000 का मिलेगा, आप छाप के चले आएंगे, 5 साल आप सरपंच साहब के पीछे फिरेंगे, कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आप देखेंगे कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करें। पहला तो यह है कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए और राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें। एक बात और मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं कई ऐसे एमपीओ को जानता हूं जिन्हें आप लोग लोकसभा सदस्य कहते हैं, मैं कई ऐसे विधायकों को जानता हूं जो जनता ने जिनकी शकल नहीं देखी फिर भी उन्हें जिताया है। आप समझ सकते हैं वो जनता अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी पटक ही रही है, साथ में अपने बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल रही है। एक तरह से मैं कहता हूं कि देखिए वो गरीब है, वो जाति किस जाति का है ये मत देखिए, वो किस पार्टी का है ये मत देखिए, वो आपका किस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका किस तरह से ख्याल रख रहा है, उसे आप लोग चुनिए। समझ रहे हैं आप लोग? आपने देखा है महामारी के टाइम किसी विधायक को मैंने रोड पर चलते हुए नहीं देखा, जनता की मदद करने के लिए नहीं देखा, किसी भी मंत्री को नहीं देखा है मैंने, सब अपने घर में बैठे बैठे कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था। मैं इतना कह सकता हूं कि भगवान श्री राम भी होते वो इस समय अगर इस विपदा में वो घर में कभी ना दुमक के बैठते। समझ रहे हैं आप लोग? तो कम से कम इस तरह से चुनिए जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ ना खेल सके। चलिए अच्छी बात है कि इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है कि इस पूरे अध्याय को पढ़ने का मतलब क्या रहा है। जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहां चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वतंत्र स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। एक, हमारी चुनाव व्यवस्था में मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया गया है। 5 साल में तो कम से कम आपके पास मौका रहता है ना। मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है, उसमें भाग लिया है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या
लगातार बढ़ेगी। आपने देखा होगा जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री साहब या कोई भी सभी नेता कहते हैं कि ये हमारा त्योहार है, सभी भाग लीजिए। तो आप सभी को भाग भी लेना चाहिए और जागरूक भी रहना चाहिए। तीसरे क्या बात है, चुनाव व्यवस्था में सभी को ध्यान स्थान मिलाया और यह सभी को साथ लेकर चलिए। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ एक काम हो सकता है, आप मुस्लिम हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति से महिलाएं या पुरुष हैं या सामान्य ओबीसी, किसी भी जाति से, किसी भी स्थान से, आप जनता में अपनी पेट बनाइए, जनता के बीच जाइए। अगर जनता आपको पसंद करती है और आपके पक्ष में वोट डालती है तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक सके आगे बढ़ते। फिर आज चाहे आप मुस्लिम हो, महिलाओं हो या कोई भी जाति के हो, तो आपको ये करना होगा। और इसमें खुला हुआ प्रतियोगिता है एक तरह से, जैसा आप सिविल सर्विस में देखते हैं कि आप अगर पढ़ते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं तो आप निकल जाएंगे, कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक दे आगे बढ़ने से। चौथी बात क्या है, देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनाव भी अनियमितताओं और धांधली से प्रभावित नहीं होते हैं, यद्यपि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास भी किए जाते हैं। अपने चुनाव में हिंसा, मतदाता सूचियों से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराए धमकाए जाने आदि की शिकायत अक्सर सुनी होगी, फिर भी ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। एक समय था इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास काफी सुविधाएं हो चुकी हैं। सबसे बड़ी तो सोशल मीडिया आ चुकी है, अब कुछ भी हो रहा है आप वीडियो बनाइए डाल दीजिए। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कभी कोई सरकार चुनाव में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इसी तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता है कि बिना चुनाव के कोई सरकार बन सकेगी। वास्तव में भारत में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयासों प्रयोग के रूप में ख्याति मिली है और इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है। भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है, यह हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोष रहित बनाया जा सके तो हमें मतदाता और नागरिकों के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह आनंद उठा सकेंगे और इसे और अधिक अर्थपूर्ण बन सकेंगे। चलिए खैर छोड़िए, ये तो होती है आपकी भारतीय चुनाव जो भी रही है और प्रतिनिधि की प्रतिनिधित्व यानी कि जो अभी आपका एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और बड़े धैर्य के साथ आप लोग सुनिए, बीच में आपको हड़बड़ाना नहीं है, मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिज्ञा, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हमें अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अन्य अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी अपने मतदान का प्रयोग किया करेगा और जागरूक होकर किया करेगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका, ठीक है। इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। याद रखिए, अगर अभी तक आप लोग इससे गलतफहमी में है कि एनसीईआरटी पढ़े बिना कुछ उखड़ जाएगा, तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तो समय रहते हुए आप लोग इन्हें कवर कर लें, ठीक है। तब